ये अरकान की असम्बली रुकनियत की मौतली का ये मामला है। हमजा शहबाज ने पीर को पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब कर लिया। रुकनियत मौतली पर आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इसी की तफसीलात जानेंगे अखलाक बाजवा से। अखलाक तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हमजा शहबाज शरीफ ने तीन लीगी अरकान असम्बली की रुकनियत जो है मुतल किए जाने पर पंजाब असम्बली की पार्लिमानी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो पीर 1:30 बजे तलब कर लिया है। इजलास की सदारत जो है वो हमजा शहबाज शरीफ खुद करेंगे और इजलास में तीन लीगी अरकान रुकनियत की मुतली के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने अपने अरकान की मुतली के मुखालफ एहतजाज के लिए हिकमत अमली तय करेगी। हमारे जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून को जो है वो पीर के रोज असम्बली इजलास का बायकॉट भी कर सकती है, जबकि मुतल अरकान की रुकनियत जब तक बहाल नहीं की जाती नून लीग के तमाम अरकान असम्बली जो है वो बिजनेस में भी हिस्सा नहीं लेंगे। ये हमारे जराये कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो जो 1:30 बजे इजलास होगा पीर के रोज उसके बाद तय की जाएगी कि आया असम्बली इजलास का बायकॉट करना है या उसका हिस्सा बनना है। इस हवाले से जो तमाम मामलात हैं उन पर मुशावरत के लिए ठीक है, तमाम मामलात पर मुशावरत करने के लिए इजलास तलब कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।